नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आकांक्षा राजपूत। चलिए एक नजर इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। यूपी में मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी देंगे युवाओं को तोहफा। 508 नए अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से हुआ है चयन। लखनऊ में हुई आरएसएस सरकार और संगठन की समन्वय बैठक। दत्तात्रेय होस बोले, बीएल संतोष और सीएम योगी हुए शामिल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के 7 जिले कोरोना फ्री। अलीगढ़, चित्रकूट, हाथरस और शामली में कोविड के एक भी केस नहीं। 47 जिलों में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं। बीजेपी के ब्राह्मणों को धोखा देने वाले बीएसपी अध्यक्ष मायावती के बयान पर सपा ने पलटवार किया। कहा, बीएसपी में ब्राह्मणों को कभी सम्मान नहीं मिला। सीतापुर में सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को बताया झूठ की प्रयोगशाला। कानपुर में पीएम केयर फंड से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में हुई खराब वेंटिलेटर्स की सप्लाई। वेंटिलेटर रुक जाने से बच्चे की मौत से मचा हड़कंप। जी मीडिया के पास आरोप के सबूत मौजूद। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात इलाके में 9 महीने की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश शुरू की। कुशीनगर के तरिया सुझान थाना इलाके में एक खेत में पड़ी मिली शराब की बोतलें। खराब खबर मिलते ही बोतलें बटोरने के लिए टूट पड़े लोग थैले भर भर कर शराब लेकर। कानपुर देहात में दबंगों ने पुरोहित और उसके भाई को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिजनौर में कोटावली नदी का जल स्तर अचानक बढ़ने से बिजनौर हरिद्वार मार्ग का संपर्क कटा। नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग पर लगी वाहनों की लंबी कतार। बदायूं में अंडरग्राउंड केबल मानकों को ताक पर रखकर बिछाया गया मकर जाल। कई बेजुबान और बेगुनाहों की जा चुकी है जान। बहराइच के कतानिया घाट अभ्यारण में भड़ी घड़ियालों की संख्या। टीएफओ के मुताबिक यहां का वातावरण जलीय जीवों के लिए अनुकूल है। वाराणसी में तेज बारिश के बाद करंट लगने से हुई 2 गाय की मौत। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। कई बार फोन करने पर भी विभाग से नहीं आया कोई। कैंट थाना क्षेत्र की घटना। कानपुर में लावारिस अस्थियों के लिए एक सामाजिक संस्था आगे आई। कोरोना में जान गंवाने के बाद 14 लावारिस अस्थि कलशों का भू विसर्जन किया गया। कुशीनगर में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारियां हुई तेज। जिला अस्पताल में तैयार किया गया 40 बेड का L2 वार्ड। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। मौके पर आरोपियों से अवैध हथियार बरामद। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने 2 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। कब्जे से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद। थाना फेज 3 पुलिस ने गिरफ्तारी की। गौतमबुद्ध नगर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना जेवर पुलिस ने की गिरफ्तारी। शामली के कैराना में यमुना में मूर्ति विसर्जन करने गए युवक की डूबने से मौत। पैर फिसलने से हुआ हादसा। गोताखोरों ने शव को बाहर निकाला। फिरोजाबाद में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले की 5 तहसील में 16 जगहों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। जिले की हर गतिविधि पर पुलिस और अधिकारी आसानी से रख सकेंगे नजर। मथुरा में चलती कार से बाहर गिरे 2 युवक। खिड़की खुलने से हादसा हुआ। दोनों की हालत गंभीर। थाना बरसाना क्षेत्र की घटना। मथुरा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास से लगभग 9 किलो चांदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में शुरू की कार्रवाई। मिर्जापुर में पुलिस ने किया युवक की हत्या का खुलासा। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुरानी रंजिश के चलते की गई थी हत्या। हरदोई में पकड़ा गया सीपों से भरा ट्रक। तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गरा नदी से निकालकर समचलपुर के पास एकत्र की जा रही थी सीपे। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 4 शातिर वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 2 मुहा सांप हुआ बरामद। सांप की कीमत बताई जा रही है लगभग 2.5 करोड़ रुपए। पुलिस ने तस्करों को भेजा जेल। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को अंबेडकर नगर प्रशासन ने पूरी की तैयारी। जिला अस्पताल में बच्चों के लिए अलग से तैयार किया गया वार्ड। वार्ड के 20 बेड पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की है व्यवस्था।
लखीमपुर खीरी में चोरी की योजना बना रहे चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से तमंचे कारतूस चाकू बरामद। सोनभद्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान पकड़ी गांजे की खेप। ट्रक के टायर में छिपाकर छत्तीसगढ़ से गांजा लाया जा रहा था आगरा। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सहारनपुर को साफ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों ने की पहल। सभी ने अपना एक दिन का वेतन निगम द्वारा बनाए गए ग्रीन कोष में देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में प्रयागराज पुलिस का एक्शन। आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू। बागपत में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने दो लोगों को गोली मार दी। हमले में घायल हुए दोनों शख्स फाइनेंसर और ईंट भट्टा मालिक है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव 3 दिन के दौरे पर पहुंचे। ललितपुर बिरधा ब्लॉक स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में लिया भाग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। बहराइच में बच्चों के विवाद में बुजुर्ग महिला की हत्या हो गई। बच्चों के झगड़े की शिकायत करने गए शख्स और उसकी मां को आरोपियों ने बुरी तरह पीटा। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रायबरेली में एसी मैकेनिक पर हुई फायरिंग। पंचायत चुनाव में हमलावरों का विरोध करने पर किया गया हमला। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रामपुर में प्रॉपर्टी के लालच में जीजा ने अपने ही साले की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू की।